तो जब अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार दिखाई देगी और उसमें लगता है कि अपराधी ही सब कुछ है, तो ये तो होगा है ना, उसका हवाला दिया ही जाएगा। आज एक महीने हो गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, अभी तक हम शाहरुख को सजा नहीं दिला पाए, तो उसका हवाला होगा है कि यदि वो बच गया, उसको तो लगता है ना, तो हम भी बच जाएंगे। इसलिए अपराधी इतने बड़े अपराध को जो है अंजाम देता है, मुझे तो लग रहा है। क्योंकि जिस तरह का प्रशासन चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग व्यवसाय है, बालू गिट्टी दारू व्यवसाय है, तो होगा ही ना। यदि प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन, यदि उसको जनता की सुरक्षा करना विषय नहीं हो, यदि उसको केवल चोरी चकारी और भ्रष्टाचार करने वाला विषय हो, तो इस तरह की घटना तो होगी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो वक्त आ गया है कि संथालपुरना से अपना दुमका से बोरिया बिस्तरा समेटे समेटे और हजारीबाग जहाँ उनका नेमरा घर है वहाँ चले जाएं, यही उनके लिए बेहतर हो। मैं जब आया तो आपने देखा कि जाम था, हमने ग्रामीणों की बात सुनी, उनके परिवार की बात सुनी, हमने प्रशासन की बात सुनी, और फिर मुझे लगा कि उचित ये है कि जो डेड बॉडी है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। डेड बॉडी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करती है, और हम सबों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के, हम जितने लोग यहाँ थे, मैं था, लुईस जी थी, देवेंद्र कुमार जी थे, जयप्रकाश जी थे, और भी जो लोग थे सारे, अभयकांत जी थे, अभयकांत जी के गौरव कांत जी थे, सारे पदाधिकारी हमारे थे, हम सबों ने डिसाइड किया। फिर ग्रामीणों से बात करके आपने देखा कि हमको लगा कि इनकी जो है मुक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो जिनको जाना था वो चले गए। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अंकिता हो, चाहे वो आदिवासी लड़की हो, चाहे ये मारुति हो, इसको जो है हम व्यक्तिगत तौर पर, भारतीय जनता पार्टी पैसा देती ही है, पैसा हम देंगे, सरकार को जो करना होगा करेगा, लेकिन कैसे ये अपराधी फांसी तक पहुंचे इसकी भी हम व्यवस्था करें। देखिए, दुमका जो है बांग्लादेशी और बांग्लादेश के लोगों का एक बहुत बड़ा केंद्र हो गया, यहाँ ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, और यहाँ का जो प्रशासन है, खासकर जो पुलिस प्रशासन है, उसमें खासकर जो एक DSP है नूर मुस्तफ़ा जैसे लोग, उनका काम है बांग्लादेशियों को संरक्षण देना, और पुलिस ने अपने काम को कर दिया है कि उनको बालू कैसे चोरी कराना है, उनको गिट्टी पत्थर कैसे चोरी कराना है, उनको कोयला कैसे चोरी कराना है, और यहाँ से शराब जो है बिहार कैसे ले जाना है, इन चार चीज़ों में लिप्त है। इसलिए पुलिस का जो काम है पुलिसिंग करना, जनता को प्रोटेक्शन देना, वो काम ख़त्म हो गया है। और इस कारण से पिछले 1-1.5 महीने में आप समझिए कि दुमका इसका एक कीपिंग सेंटर हो गया है। और जब हम अपराधियों के पीछे नहीं जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इमीडिएटली सजा नहीं करा पाते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन देने वाले, आप समझिए कि दुमका के जो वकील लोग हैं, बार काउंसिल के जो लोग हैं, उनसे भी मेरा अपेक्षा और आग्रह है कि इस तरह के केस जब आप लेते हैं तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मुद्दा ही सब कुछ नहीं होता है, आपकी भी बहू है, आपकी भी बेटी है, यहाँ तो दुमका में उनको वकील नहीं मिलना चाहिए था। इस तरह की जब एक्टिविटी होती है तो समाज में ये वहसीपन बढ़ता है, जिसकी ये प्रतिक्रिया है कि कोई भी जो है अपने रिवेंज में, गुस्से में, या आप समझिए कि बदलात्मक कार्रवाई में, या वहसीपना में, या राक्षसीपन में, धर्मांतरण के कारण महिलाएं और बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं हैं घर से निकाल कर। ये दूसरी घटना, तीसरी घटना ऐसी है जो घर के अंदर हो गया। घर में यदि बच्ची सुरक्षित नहीं है तो बाहर कितनी सुरक्षित है। अभी लुईस जी कह रही थी कि अब तो हम लोगों को भी बाहर निकलने में डर लगता है। तो यदि मुख्यमंत्री में नैतिकता है तो ये उनका जिला है। सोरेन परिवार को इस दुमका ने बहुत कुछ दिया है, MP बने, MLA बने, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, पूरा खानदान यहीं से रहा है। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। मेरा उनसे विनम्र आग्रह होगा कि अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।